नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो विशेष वीडियो है उन लोगों के लिए जो आप लोग देख रहे होंगे कि काफ़ी देर से ये सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि चम्मच चाबियाँ या सिक्के वगैरह लगा के अपने आप को बता रहे हैं कि मैग्नेटिक मैन हैं, या फिर कोई कह रहे हैं कि वैक्सीन की वजह से हमारे शरीर में चुंबक बन चुका है, शरीर जो भी हम लोहे की चीज़ लगाएं वो हमारे शरीर के साथ चिपक जाता है। तो उसी चीज़ को मैं क्लियर करने के लिए आज आपके सामने ये वीडियो लेके आया हूँ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि चम्मच वगैरह चिपकाने से, अपने शरीर के साथ चाबियाँ वगैरह चिपकाने से इसका दूर दूर तक वैक्सीनेशन के साथ कोई संबंध नहीं है। कोई भी बंदा जो वैक्सीनेट हुआ है, जिसको इंजेक्शन लगा है कोविड का, उसको ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ भी उसके शरीर में चुंबक पैदा हो गई हो तो उसके शरीर के अंदर जो भी हम लोहे की चीज़ें लगाए तो वो लग जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये महज एक अफवाह है और इस तरह की अफवाहों में ना आए। मैं देख रहा था कुछ टीवी चैनल्स वाले भी जो है ये बता रहे थे कि अपने घरों में लोग ये प्रैक्टिकल कर रहे हैं, और बताया जा रहा है कि ये ओनली ड्यू टू व्हेन दे आर वैक्सीनेटेड, उसके बाद जो है उनके साथ ये सारी चीज़ें होना शुरू हुई हैं। चम्मच वगैरह चिपका के दिखा रहे हैं और चाबी वगैरह सिक्के वगैरह चिपका के दिखा रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। उसकी मैं आपके सामने एक एग्जांपल लाइव वीडियो आपको एक लाइव एग्जांपल जो है आपको बताऊंगा। दोस्तों जुड़े रहें वीडियो के साथ। दोस्तों मेरे पास बहुत सारे यहाँ पे चम्मच रखे हैं, कुछ सिक्के रखे हैं, ये चम्मच हैं, कुछ सिक्के रखे हैं, तो मैं वही चीज़ आपको बता रहा हूँ कि ये असल में है क्या, कि जो चम्मच वगैरह चिपकाने से आप लोगों को ये भ्रमित किया जा रहा है कि ये कोविड की वैक्सीन लगाने के बाद जो है हमारा शरीर जो है चुंबक बन गया, उसके बाद जो है हमारे शरीर के ऊपर ये लोहे की चीज़ें हैं चिपकाई जा रही हैं। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, ये चम्मच है दोस्तों, एकदम साफ सुथरा है। आपके सामने मैंने अभी शर्ट उतारी है, ये मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया, सॉरी ये मैंने देखो इसको यहाँ पे लगा दिया, ये चिपक गया। ये दूसरा चम्मच ये यहाँ पे लगा दिया, चिपक गया। ये तीसरा, चौथा, ये चाबी और सिक्के भी लगाओ यार। कहीं भी लगा दो, कहीं भी लगा दो। काफी है। तो ये मैं आपको बता रहा हूं कि ये चम्मच और ये सिक्के आपने देखे कि ये लगाए हैं मैंने पूरे शरीर के साथ जो है ये मेरे चिपक गए हैं। अब मैं भी अपने आप को ये बताऊं कि मैं मैग्नेटिक मैन हूं या फिर वैक्सीनेशन के बाद मेरा शरीर जो है एक चुंबकीय शरीर बना है, तो ये महज एक गलत चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को एक चीज़ मैं फिर से बता देता हूँ, आपको एक चीज़ मैं फिर से बता देता हूँ कि ये जो चीज़ें लोगों में अफवाह फैलाती हैं, भ्रमित करती हैं लोगों को, कि पहले से ही बहुत सारी अफवाहें जो हैं आप लोगों ने देखी होंगी वैक्सीनेशन को लेके लोगों में उड़ी हुई हैं। लोग पहले से ही घबराए हुए हैं
कि हम लोग नहीं वैक्सीनेशन कराएंगे, पता नहीं इस वैक्सीनेशन में क्या है, इस टीके में क्या है। तो ऐसा दोबारा उनको डराना कि हाँ भाई ये वैक्सीनेशन के थ्रू हुआ है, तो मेरे ख्याल से ये सही नहीं है। तो मैं एक बार आप लोगों के सामने ये फिर बता दूं कि आपके सामने मैंने ये शर्ट उतार के ये चम्मच चिपकाए हैं, तो मेरे शरीर के साथ ये पूरे चम्मच जो हैं वो चिपके हैं। मेरा शरीर हरकत में भी आ रहा है, लेकिन कोई भी चम्मच जो है वो गिर नहीं रहा है। आपके सामने ये सारा लाइव डेमो मैंने दिया है। तो आप लोगों को मैं फिर यही कहूँगा कि ये एकमात्र अफवाह है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमारे शरीर में चुंबक होती है। ये मात्र किस वजह से होता है कि कई लोगों की स्किन जो है वो ऑयली होती है थोड़ी थोड़ी, जैसे कि मेरी स्किन थोड़ी थोड़ी ऑयली है। तो मेरी स्किन के ऊपर ये जो चम्मच वगैरह है, कोई भी साफ चीज़ जो होगी वो शरीर के साथ चिपक जाएगी, और मैं जितना भी हिलूँगा या कुछ भी करूँगा, कोई भी काम करूँगा, ये शरीर से आसानी से निकलेंगे नहीं जब तक मैं इसको खुद निकालूँगा नहीं। तो आपने देखा मैंने माथे के ऊपर सिक्के भी लगाए थे, मैं कहीं भी चिपकाऊंगा वो चिपक जाएंगे। तो मैंने भी इसको एक प्रैक्टिकली करके देखना चाहा कि अगर ऐसा है तो क्यों ना मैं भी इसको करूं। फिर कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि हो सकता है मैंने भी वैक्सीनेशन ली है, कि ये लोग जो कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन के बाद ये सारी चीज़ें हो रही हैं, आपका शरीर जो है वो चुंबक की तरह बन गया है, चुंबकीय शरीर वाले हो गए आप लोग। तो मैंने क्या किया, अपनी बेटी के ऊपर इसका एक प्रैक्टिकल किया। मैंने सोचा क्यों ना मैं ये प्रैक्टिकल उस व्यक्ति पे करूं जिसने वैक्सीनेशन नहीं लगवाई है। और आपको पता है कि वैक्सीनेशन जो है 18 साल से 45 साल तक के लोगों को अभी लगना शुरू हुई है, और जो मेरी बेटी है वो मात्र 6 वर्ष की है, 6 साल की है। उस 6 साल की बच्ची को मैंने ये प्रैक्टिकल करके देखा, उसके ऊपर चम्मच वगैरह लगा के देखे, 2-3 लोगों के ऊपर और भी लगाए, उनके साथ नहीं चिपके। तो बेटी के को मैंने ये चम्मच वगैरह लगा के देखे, तो उसके शरीर पे भी ये चम्मच वगैरह चिपके। फिर मैंने इसको देखा कि ये वजह क्या है, क्यों हो रहा है ऐसा। तो मैंने स्किन का जो है थोड़ा सा स्टडी किया, स्किन को देखा उसकी, उसकी स्किन मेरी स्किन जो है तकरीबन एक जैसी थी, थोड़ी थोड़ी ऑयली स्किन थी, जिसकी वजह से ये चम्मच जो है वो हमारे शरीर के ऊपर चिपक रहे हैं। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, ये देखो मैं खड़े होकर दिखाता हूँ आपको, ये बिल्कुल भी नहीं उतरे। जब तक मैं इसको खुद नहीं उतारूँगा चम्मचों को, ये बिल्कुल भी नहीं उतरे। तो ऐसी अफवाहों में ना आए कि वैक्सीनेशन के बाद हमारे, मैं देख रहा था कहीं यूपी का एक व्यक्ति था, उसने भी जो है अपने शरीर पे चम्मच वगैरह ये चिपका के, तो वो लोगों को बता रहे थे कि वैक्सीनेशन के बाद जो है ऐसा हुआ। बहुत सारे राज्यों में ऐसी वीडियोस जो हैं आ रही हैं, अब तो हमारे कठुआ में बहुत सारी वीडियोस ऐसा नेचुरली, अगर 1-2 लोग ये करेंगे तो बाकी सारे इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं है, ये मात्र एक भ्रम है, इस भ्रम में ना आए, क्योंकि अक्सर ऐसी वीडियोस जो भ्रमित करने वाली होती है, अफवाहें फैलाने वाली वीडियोस होती हैं, अक्सर जो है हमारे लोगों में बहुत ज़्यादा धूम मचाती हैं, और हम लोग उसके चर्चा जो है अपने आस पड़ोस में करते हैं, और वही उसी तरह की मेंटेलिटी हमारे दिमाग में बन जाती है। कई बार हम बोलते हैं कि गणेश की मूर्ति दूध पी रही है या कुछ, मतलब बहुत सारी इस तरह की अफवाहें जो हैं वो हम लोग फैलाते हैं, और खुद उन अफवाहों में हम लोग फंसते जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, एक बार मैं फिर आपको यही कहूँगा कि ये मात्र एक भ्रम है, इस भ्रम को अपने दिमाग से निकाल दो। तो ये थे मेरे चम्मच जो मैंने चिपकाए थे, अब ये चम्मच चाबियाँ जो मैं खुद निकालूँगा वो निकलेंगी। ये देखो, ये मैं अपनी पूरी बॉडी पे, हाँ जिस स्किन के ऊपर बाल होंगे, यहाँ पे आपकी स्किन के ऊपर बाल होंगे वहाँ पे ये चीज़ें नहीं चिपकेंगी, ये प्लेन स्किन के ऊपर चिपकेंगी। कईयों की स्किन जो है वो हेयरी होती है, उसके ऊपर ये नहीं चिपकती। इसका प्रैक्टिकल मैं आपको एक छोटी बच्ची के साथ करके बताता हूँ। ये इसकी स्किन के ऊपर भी ये चम्मच चिपक,
अब इसके ऊपर भी ये सिक्के चिपकेंगे। लो अब ये मैग्नेटिक गर्ल होगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, महज अफवाह है, इस अफवाह में ना आए, ऐसा कुछ नहीं है। अब इसको तो कोई वैक्सीनेशन नहीं लगी है, गुड़िया को ये तो वैक्सीनेट नहीं हुई है, तो इसको ये सारी चीज़ें पूछ। बस इतना ही कहूँगा, आज का वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि आप लोगों को सचेत कर सकूँ, आप लोगों को बता सकूँ कि इस तरह की अफवाहें जो है वो उनके ऊपर ना यकीन करें। और उन लोगों को भी कहूँगा जो इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं, उनको भी कहूँगा कि इस तरह की अफवाहें ना फैलाएं, ये सिर्फ और सिर्फ भ्रम पैदा करने के लिए है, कुछ नहीं है कि आपके शरीर के अंदर चुंबक है, आपके शरीर के अंदर मैग्नेटिक है, ऐसा कुछ नहीं है। और वैक्सीनेशन के साथ इसका तो दूर दूर तक कोई लेना देना। लगता है वीडियो आपको पसंद आई है, अगर पसंद आई होगी तो इसको ज़रूर शेयर करें और लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आज के वीडियो में इतना।